गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं शालू वर्मा, टाइटल लेक्चरर साइकोलॉजी, फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कुछ भारतीय विचारकों के चिंतन में शांति। यानी शांति जो मूल्य है उसको भारतीय विचारकों ने उसके बारे में उनका चिंतन क्या है और किस प्रकार के विचार उन्होंने इस शांति के विषय में दिए हैं। स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन एवं शांति। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 वेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान एवं अद्वैत वेदांत के पोषक थे। नए वेदांत को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। स्वामी जी की शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि केवल शिक्षा ही वह माध्यम है जिस के द्वारा व्यक्ति जो है अपने लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को सफल बना सकता है। लौकिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने उद्बोधित किया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। यानी उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति के बालकों के चरित्र का गठन हो, भली प्रकार के अच्छे चरित्र का गठन हो और इसके साथ ही साथ मन का बल बढ़े, मन की जो शक्ति है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो बढ़े, बुद्धि का विकास हो, सभी प्रकार की बुद्धि का विकास हो और मनुष्य जो है वो स्वावलंबी बने, निर्भर ना रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। उनके कहने का तात्पर्य था कि व्यक्ति जो है उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्णता को प्राप्त करना है और इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में जो है अपनी क्षमताएं होती हैं और बस अंतर क्या है कि उसकी उन क्षमताओं का विकास जिस चीज़ के द्वारा होता है उसको उन्होंने शिक्षा कहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने पूर्णता को प्राप्त करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना, विभिन्नता में एकता की खोज, धार्मिक विकास, समाज सेवा, विश्व बंधुत्व एवं प्रेम की भावना का तथा मानव कल्याण एवं शांति के विचार जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनका ये मानना था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, उसके शारीरिक और मानसिक बुद्धि का विकास हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नैतिक आध्यात्मिक विकास, उसका चरित्र निर्माण, उच्च आत्मविश्वास, ये सारी ही जो गुण हैं ये शिक्षा के द्वारा ही विकसित किए जा सकते हैं। श्री अरविंद घोष का दार्शनिक चिंतन एवं शांति। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ और मृत्यु 5 दिसंबर 1950 पांडिचेरी। श्री अरविंद घोष जो है ये भगवत गीता के बहुत बड़े प्रशंसक और बहुत बड़े अनुयायी करता थे। ये भगवत गीता के कर्म योग व ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की। इनका मानना था कि योग के माध्यम से मनुष्य को अज्ञान, अंधकार और व्यक्ति से ज्ञान, प्रकाश और अमृत की ओर ले जाया जा सकता है। अरविंद सच्ची शिक्षा उसे मानते थे मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके, यानी ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उसका उसे परिचित करा सके, व्यक्ति अपनी अंतर्निहित योग्यताओं से, अपनी क्षमताओं से परिचित हो सके, वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है।
इनका ये कहना था कि शिक्षा द्वारा शारीरिक दोष और विकृति को सुधारा जा सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उसमें कोई दोष है, कोई विकृति है, तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने वे इन दोषों को जो है वो गुणों में परिवर्तित कर सकता है, यानी जो उसकी अन्य क्षमताएं हैं उनका विकास करके वो इन दोषों को जो है वो छिपा सकता है, यानी वो दोष जो है वो गौण हो सकते हैं। नेक्स्ट, मन को शिक्षित करने के इन्होंने चार प्रमुख स्तर बताए, जो थे चित्त, मानस, बुद्धि और चरम विवेक। आदर्शवादी होने के नाते श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य तथा योग पर आधारित है। इन्होंने इन तीनों गुणों पर बहुत ही बल दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का दार्शनिक चिंतन एवं शांति। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में एवं मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। नोबेल पुरस्कार जो है, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था? उनका मानना था कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यानी वह शिक्षा जो हमें इस संपूर्ण सृष्टि, इस समाज, अपने वातावरण में समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है, वही सच्ची शिक्षा है। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। इनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को अनुभव की पूर्णता द्वारा पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करना है, यानी कि जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य कि बालक खुद अनुभव करके सीखे, उसे कुछ सिखाया ना जाए, वो खुद ही अनुभव करके सीखे। जैसे जैसे वो वातावरण में इंटरेक्ट करेगा, वो खुद ही चीज़ों को समझेगा अनुभव के द्वारा। उनका ये मानना था कि बालकों को शिक्षा जो है वो प्राकृतिक वातावरण में देनी चाहिए, जिससे उन्हें अधिक आनंद का अनुभव हो, क्योंकि जब बच्चे को आनंद का अनुभव होगा, जब एक्टिविटीज़ में उसको जो है इंटरेस्ट आएगा, तभी वो किसी भी चीज़ को भलीभांति समझ पाएगा। दूसरा इनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम, जिसे व्यक्ति की जो भी मातृभाषा है वो अपनी मातृभाषा में ही अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकता है, यानी जो शैक्षिक जो क्षमताएं हैं उसमें वो अपने मातृभाषा के द्वारा ही वो एक्वायर कर सकता है। इनका कहना था कि शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। शिक्षा केवल आदर्शवादिता ही नहीं, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उसको हम अपने वास्तविक जीवन में, रियलिटी में उसको हम अप्लाई कर सकें। मानव कल्याण की भावना को ही इन्होंने धर्म की शिक्षा दी थी। इनका ये कहना था कि शिक्षा का एक उद्देश्य मानव कल्याण की भावना ही होना चाहिए, और यही सच्चा धर्म है। इसके अलावा इन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना पर विशेष तौर पर बल दिया था कि सभी व्यक्ति जो हैं समान हैं, हमें किसी भी व्यक्ति में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे गांधी दर्शन एवं शिक्षा के बारे में उनके विचार।